हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रुमास क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल कॉमन सी मिस्टेक्स हमारी जो हम रोजाना में करते हैं बोलने में या लिखने में। पहला वर्ड है हमारा सैलून और सैलॉन। अब सैलून क्या है? सैलून जैसे कोई बार या कोई पब जहां हम बैठ के खा पी सकते हैं, और सैलॉन वो होता है जहां हम हेयर कट के ले जाते हैं। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, सैलॉन को ही हम सैलून बोलते हैं। तो जो दूसरा वाला है वो सैलून है और जो पहला वाला है वो सैलून। सैलून मींस बार या कोई पब या कोई ईटिंग प्लेस या रेस्टोरेंट टाइप्स ऑफ, और सैलून इज द प्लेस वेयर वी गो फॉर हेयर कट। अब ये बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, देयर और देयर। आवाज दोनों की एक सी है, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग ऑल्सो डिफरेंट। सो टी एच ई आई आर देयर का मतलब उनका, देयर बैग, देयर हाउस, देयर पिलो, देयर वाटर बॉटल, देयर टिफिन बॉक्सेस, देयर कॉपीज। एंड ये सेकेंड वाला देयर टी एच ई आर ई मतलब वहां, द बैग इज केप्ट देयर, वहां पे रखा है बैग, है ना। द हाउस इज देयर, घर वहां पर है। नेक्स्ट इज डेजर्ट और डिजर्ट। डेजर्ट इज कोई भी एक मिठाई, सॉरी डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान फर्स्ट वाला, और ये एक डेजर्ट है, ये मतलब मिठाई जिसमें डबल एस लग गया, वो मिठाई जो हम नॉर्मली खाना खाने के बाद खाते हैं डेजर्ट, और ये रेगिस्तान। हियर एंड हियर अगेन सिमिलर साउंड, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग ऑल्सो डिफरेंट। हियर सुनना, कोई चीज चलते चलते ऐसे सुन ली हमने, हियर आई हर्ड अ साउंड, आई हियर द सॉन्ग, मतलब कुछ सुनाई दे रहा है या सुन सकते हैं। और ये सेकेंड वाला हियर, यहाँ पे आई एम सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग हियर, द बैग इज केप्ट हियर। ये दो वर्ड्स है जिसमें बोलने में और लिखने में हर कोई मिस्टेक करता है नॉर्मली। एक ये है क्वाइट और एक ये है क्वाइट। क्वाइट मीन्स काफी, जैसे क्वाइट लॉन्ग, द बिल्डिंग इज क्वाइट बिग, द पूल इज क्वाइट डीप, ऐसा। एंड क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट, इसको बोलते भी अलग से, ये इसको क्वाइट बोलेंगे, फर्स्ट वाले को क्वाइट बोलेंगे, सेकेंड वाले को हम क्वाइट बोलेंगे। क्वाइट, क्वाइट मीन शांत। जैसे एक क्लास है उसमें बच्चों को डांट लगाई, सारे शोर कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, बी क्वाइट, बी क्वाइट नहीं बोलेंगे, बी क्वाइट। नेक्स्ट इज फेयर एंड फेयर। अब वही बात है ना, सिमिलर साउंड पर स्पेलिंग तो डिफरेंट हो गई, तो ऑब्वियसली मीनिंग भी डिफरेंट ही हो जाएगा। सो एफ ए आई आर फेयर मीन्स मेला, या फिर साफ, या फिर जस्टिस। और दूसरा वाला एफ ए आर ई मतलब फेयर मीन्स किराया भाड़ा, जैसे हम लोग ट्रेन की टिकट्स बुक कराएं उसका जो पैसा लगता है दैट इज फेयर। एरोप्लेन में हमें जाना है, हमने फ्लाइट बुक कराई, उसका जो किराया लेगा एरोप्लेन वाली कंपनी वो उसका वो क्या होगा, फेयर। ऑटो रिक्शा बुक किया, कोई कैब बुक करा, उसका जो हमें पे करना पड़ेगा दैट इज फेयर। नेक्स्ट वर्ड इज अगेन सिमिलर साउंड, प्रे। पहला वाला पी आर ए वाई मीन्स प्रार्थना करना, हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना करना। एंड पी आर ई वाई इसका मतलब शिकार, जैसे अ डियर इज अ प्रे ऑफ अ लायन और अ टाइगर, मीन्स जो लायन या टाइगर है वो डियर को खाते हैं, उनका वो शिकार है। तो पी आर ई वाई इज शिकार एंड पी आर ए वाई इज प्रार्थना करना। अगेन स्टेयर एंड स्टेयर, एस टी ए आई आर मतलब सीढ़ियां, ठीक है। एस टी ए आर ई स्टेयर मतलब घूरना, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, मतलब इतना घूरो कि डर जाए अगला। डाई एंड डाई अगेन सिमिलर साउंड, डी आई ई मर जाना, निपट जाना, है ना। एंड जी वाई ई कलर, कोई चीज को डाई कराते हैं ना, कलर कराते हैं, जैसे कोई चुन्नी को कलर कराया, कोई दुपट्टा कलर कराया, या कोई ड्रेस कलर कराया, है ना। तो दैट इज गेटिंग इट डाइड, डाई कराया, जी वाई ई कराया हमने। एंड डी आई ई मरना। अगेन हेयर एंड हेयर, साउंड इज सिमिलर, एच आई आर हेयर इज बाल, आपके सिर के, मेरे सिर के, किसी के भी सिर के बाल।
और एच आर ई इज खरगोश, राइट। बहुत से लोग इसको फ्लावर और फ्लोर कहते हैं, बट दोनों ही गलत हैं। दोनों का प्रोनंसिएशन फ्लावर है, ना वो फ्लावर ना वो फ्लोर, दोनों फ्लावर। फ्लावर पहला वाला एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर मीन्स फूल, रोज फ्लावर, सन फ्लावर, पैंजी, सू फ्लावर, एनी फ्लावर, राइट। एंड एफ एल ओ यू आर इज आटा, दैट इज फ्लावर। अगेन आटा, कॉर्न फ्लावर, व्हीट फ्लावर, मेज फ्लावर, एनी फ्लावर, राइट। ना अगेन दीज आर टू वेरी सिमिलर वर्ड्स एंड पीपल आर 99.9% पीपल आर कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स, वेदर एंड वेदर। पहला वाला डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर मतलब या नहीं, ऐसा है कि नहीं, वेदर यू आर कमिंग विद मी ऑर नॉट, तुम मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं, हैव यू वेदर यू आर डूइंग योर वर्क ऑर नॉट, तुम अपना काम कर रहे हो कि नहीं, है ना। तो ये वो वेदर है। और दूसरा वाला डब्ल्यू ई है बहुत सिंपल, मौसम, प्लेजेंट वेदर, अच्छा मौसम है, नाइस वेदर, ब्यूटिफुल वेदर। सो पहला वाला है कि नहीं और दूसरा वाला मौसम। सो दिस इज ऑल इन द वीडियो फ्रॉम मी। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल येट प्लीज डू सो एंड एनकरेज मी टू मेक मोर इंस्पायरिंग गुड वीडियोज फॉर यू। थैंक यू।